हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज सोनी सिंह। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के लिए जो वीडियो लेकर के आई हूँ आगरा यूनिवर्सिटी से। आगरा यूनिवर्सिटी में रियली में बहुत बहुत ज़्यादा परेशान किया हुआ है सारे स्टूडेंट्स को। या तो एक टाइम पे ना ही पैटर्न बताया जा रहा था, अभी पैटर्न अभी भी कन्फ्यूज़न है अगर एक्चुअली में बोला जाए तो, ना ही पैटर्न बताया गया है, ना ही डेट शीट निकाला जा रहा है, ना ही एग्ज़ाम लिया जा रहा है। फॉर्म फिलअप जो है अप्रैल में ही हुआ है और अभी तक इसका कोई नामो निशान नहीं है। स्टूडेंट्स बहुत ही पैनिक हो रहे हैं और इसके लिए स्टूडेंट्स ने जो है एक्शन भी लिया है, जो कि कल के वीडियो में मैंने आपको बताया भी था कि स्टूडेंट्स जाकर के वाइस चांसलर से मिले हुए हैं और 2020-22 सेशन वाले स्टूडेंट्स मिले हैं और उसके बाद से उन्होंने लेटर दिया है जल्द से जल्द एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाने के लिए। इससे से रिलेटेड जो है न्यूज़ आया हुआ है, उस न्यूज़ में क्या क्या है और अगर ऐसा नहीं करते हैं आगरा यूनिवर्सिटी के तो स्टूडेंट्स जो है कौन सा नया स्टेप ले सकते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। चलिए बात करते हैं, यहाँ पर आप न्यूज़ में देख सकते हो अप्रैल में भरवाए परीक्षा फॉर्म, कार्यक्रम जारी नहीं। तो यहाँ पर एक्चुअली में ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स हैं ना जो स्पेशली इसे बीएड करने के लिए वहाँ जा कर के रूम ले कर के रह रहे हैं और बस एग्जामिनेशन का वेट करें कि एग्जामिनेशन ख़त्म हो तो वहाँ से वो वापस आएँ। तो सोचो कि उन सारे स्टूडेंट्स पे कितना बर्डन है। उन्हीं में से एक स्टूडेंट है अंकित, उन्होंने बताया है कि कहा है कि RBS कॉलेज का के छात्र हैं और किराए पर कमरा लेकर रहते हैं, सत्र में देरी से आर्थिक परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा है। ज्ञापन देने वालों में संगठन में जो जो लोग ज्ञापन दिए हुए हैं वाइस चांसलर को, उनमें नाम रितेश सिंह है, विनीत कुमार है, विपिन कुमार है, विपिन कुमार मिश्रा, प्रदीप यादव, मोहित खेरवार, पवन रघुवंशी, राघवेंद्र सिंह, प्रिंस कुमार, मानवेंद्र प्रताप सिंह, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि वहां पर जाकर के ये ज्ञापन दिए हैं। इनमें इन्होंने कहा क्या है वो सुनिए कि अगर दो दिन के अंदर जो है डेट अनाउंस नहीं होता है तो ये लोग कौन सा एक्शन ले सकते हैं। 2020-22 परीक्षा के कार्यक्रम भरवाए थे, परीक्षा का कार्यक्रम अभी तक जारी नहीं किया गया। तो जो विद्यार्थी परिषद है, जो ABP है, उन्होंने बुधवार को विश्वविद्यालय के प्रति कुलपति प्रोफेसर अजय तनेजा व निरीक्षक नियंत्रक डॉक्टर ओम प्रकाश को ज्ञापन दिया और परीक्षा का कार्यक्रम जल्द जारी कराने की मांग रखी। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर दो दिन के अंदर परीक्षा की तारीख नहीं जारी की जाती तो विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगा और वो उग्र आंदोलन करेंगे, करना ही पड़ेगा। देखो आप लोग सोचो कि क्या क्या आप लोगों को करना पड़ेगा, वैकेंसी निकालने के लिए करो, फिर डिग्री कंप्लीट करने के लिए करो, हर जगह विदाउट आंदोलन तो कोई कुछ सुन ही नहीं रहा है। तो ये इन्फॉर्मेशन आगरा यूनिवर्सिटी से है, जो स्टूडेंट्स अब जो है अपना स्टेप ले रहे हैं और मुझे भी ऐसा लगता है कि विदाउट स्टेप लिए आगरा यूनिवर्सिटी कुछ करने वाली है नहीं। एटलीस्ट कम से कम डेट शीट जारी करके पैटर्न क्लियर तो करे कि स्टूडेंट्स को करना क्या है। रियली में मतलब स्टूडेंट्स के साथ साथ हम लोग भी सफ़र कर रहे हैं, कभी स्टूडेंट डिस्क्रिप्टिव के तरीके से पूरा तैयारी करवाना, फिर MCQ का प्रैक्टिस करवाना, मीन्स एक BEd करने के लिए स्टूडेंट दो तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं जिससे कि उनका कहीं कुछ भी उनके साथ गलत ना हो जाए। तो ये सारी चीजों से सफर कौन कर रहा है, तो स्टूडेंट्स कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो स्टेप लेंगे ही। इससे रिलेटेड और कोई इंफॉर्मेशन आता है या कोई भी लेटेस्ट न्यूज आता है, डेफिनेटली आपको इस चैनल पर इन्फॉर्म किया जाएगा। फिर मिलूंगी, टिल देन हैव अ नाइस डे।